फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और गर्मियों में बनने वाली स्पेशल रेसिपी, चटपटी टेस्ट वाली खट्टी मीठी आम की लौंजी। काफी लोग इसे कैरी की खट्टी मीठी चटनी बोलते हैं या आंबिया की खट्टी मीठी चटनी। वैसे तो ये रेसिपी गर्मियों में हर घर में बनती है, बट मैं आज आप लोगों को अपने तरीके से बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो कच्चा आम। आम की गुठलियों को निकाल के आम को स्क्वायर शेप में काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक आयरन की कढ़ाई ली है। इस देसी रेसिपी का टेस्ट लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा आता है। फिर 2 बड़े चम्मच कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करेंगे। यहाँ पर लौंजी के लिए मैंने लिए कुछ सूखे मसाले, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच हींग। इस रेसिपी में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इन सारे मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और मिर्च को मिला के हम साथ में डाल देंगे इसमें कच्चा आम। आम को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आम के ऊपर कोट हो जाए। फिर मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1.5 कप पानी। पानी डाल के सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में मैं डाल दूंगी नमक। यहाँ पर मैं 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि आम काफ़ी खट्टा होता है। अभी इसमें हम गुड़ भी डालेंगे मीठे के लिए, तो इसलिए नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। फिर इसे हम कवर करके 7 से 8 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 7-8 मिनट हो गए, चलिए चेक कर लेते हैं। अभी लौंजी बनके तैयार नहीं पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर कच्चा आम परफेक्ट गल चुका है। एक फाक मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आम बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए आम को ओवर कुक बिल्कुल ना करें, वरना वो पानी के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी मीठे के लिए गुड़। यहाँ पर मैं देसी गुड़ डाल रही हूँ। वजन में लगभग ये 700 ग्राम होगा। आप गुड़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। यहाँ पर लौंजी में बहुत ही खुशबूदार उबाल आने लगा है। अब लौंजी को बिना ढके लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने देंगे ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए। लगभग 7 से 8 मिनट बाद लौंजी हमारी परफेक्ट बन चुकी है। लास्ट स्टेज में हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। काला नमक और चाट मसाला से इस रेसिपी का जो टेस्ट होता है वो 2 गुना बढ़ जाता है। लौंजी को मैं आपको पास से दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ना इसमें कितना शाइनी कलर आया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे और ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ठंडा होने के बाद आप लौंजी को किसी एयर टाइट कंटेनर में 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं या आप फ्रिज में रख के ऐसे भी खा सकते हैं। यदि आपको मेरी लौंजी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।